एनटीटी के दिशा निर्देश के चलदे लुधियाना प्रशासन ने पराली जलाउण दे मामले च 42 केस दर्ज किए ने जिन्हों में 37 खिलाफ कार्रवाई हुई है। उधर लुधियाना एडीसी अमरजीत सिंह बैंस ने जिक्र किया कि पोल्यूशन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए एनटीटी के आए दिशा निर्देश तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 42 केसा विच रेड एंट्री की गई है, हालांकि इस मामले में अगली कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, उन्होंने यह भी जिक्र किया कि सरकार वालों किसानों को समय समय सिर उन्होंने सबसिडी से मशीन भी दी जा रही है, पर बावजूद इसके पराली को अग लगाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखो साढ़े जो PRSC तो डाटा आया ना, वो मुताबिक 103 केसिस जोड़े साढ़े आए जोड़े सानू रिपोर्ट होए उन्होंने जब असी वेरीफाई किया 59 केसा के अग नहीं पाई गई, सिर्फ 42 केसा च अग पाई गई। जिन्हों केसा च फायर सानू मिली उत्थे जिहड़ा सानू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मिलिया हैगा मानयोग NGT वालों CAQM वालों और स्टेट गवर्नमेंट वालों, वो मुताबिक असी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के जिमें कि एक तो असी जिहड़ा पहला 188 का परचा हुंदा सी, क्योंकि इहदे च असी 163 विच हुक्म किए हैं, पहला 144 हुंदा सी, हुण 163 दे विच असी एक जारी हुक्म किए कि अग लाने उत्ते पाबंदी लाई सी। जिहड़े हुण उहदे च अग लाने तो उस असी 223 BNS दे अंदर असी उहदे ते परचे कर रहे हैगे हैं, तो उन्ने ही असी जिहड़े 42 केसां दे विच असी 42 केसां चों 42 केसां दे विच असी 42 दे जो 37 हो चुके ने, बाकियों च इमीडिएटली अज हो जाणगे क्योंकि कल दे केस हैगे आ, इहदी रिपोर्ट आ जाएगी। तो 42 तो 42 केसां दे विच रैड एंट्री रेवन्यू रिकॉर्ड्स की जाती है, और नाल ही उन्होंने एरिए के मुताबिक उन्होंने जी एनवायरमेंटल कंपनसेशन है वह इंपोज की जाती है, वो नाल दी नाल असी रिकवर भी कर रहे हैं। सो ये कार्रवाई की जा रही है। ये नाल ही जे जिहड़े साढ़े नोडल ऑफिसर लगे है जे उन्हां दे एरिए दे विच कोई फायर का इंसीडेंट आता है, वह पाया जाता है कि एक्चुअल फायर हुई है, उन्होंने भी असी शो पॉज कर रहे हैं कि तेरे एरिए क्यों होया। सो ये सानू उपरों इंस्ट्रक्शनस है ने, सुप्रीम कोर्ट भी हीयरिंग हो रही है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के 4 तारीख में हीयरिंग सी, उन्होंने लास्ट 10 दिनों के साढ़े तो इंसीडेंट का एनालिसिस पूछा हैगा। सिमिलरली जिहड़ा CAQM हैगा आ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो चेयरमैन ने भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन दित्तियां ने, इनफैक्ट उन्होंने शो कॉज भी जारी किए थे। सो DCs नू पावर दित्तियां हैगियां ने अंडर सैक्शन 14 कि वह शो कॉज कर जिहड़े बंदे ये लापरवाही बरत रहे हैं, सो वह भी कार्रवाई की जा रही है। बट मैं थोड़ा दसना चाहवागे पिछले सालों के मुताबिक जो जिन्हें केस सके साडा 82% के आसपास ड्रॉप है। सो ये ड्रॉप इस करके है क्योंकि इस बार असी जी CRM मशीनरी है वह काफ़ी असी मुहैया कराई है, और नाल उहदी अवेयरनैस भी है, तो किसान जिहड़े उन्हें काफ़ी अडोप्ट कर रहे हैं। DC साहब, मैं साढ़े जिन्हें भी फील्ड फंक्शनरी SDMs है ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैगी है, PPCB दे ऑफिशियल्स है, दे आर ऑल द टाइम इन द फील्ड, जिहदे करके एक काफ़ी कंट्रोल होया पिछले साल दे नालों। सर जिहड़े 37 केस दर्ज किए गए एक किसानों के खिलाफ किए गए ने या अनपछाते लोगों के खिलाफ? इदा होंगी है कि रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक पहला जो खेत होंगे ना वो मुताबिक FIR कर दी जाती है, फिर वो तो बाद जो मालिक की वेरीफिकेशन होंगी है तो फिर वो नाम आता है। सर किसानों की अपील करना चाहेंगे? किसानों को अपील यही है, वैसे तो किसान सानू बहुत हेल्प कर रहे हैं क्योंकि तुम देखो 82% ड्रॉप है लुधियाने के 82% ड्रॉप बहुत वड्डा होंगे है, पिछले सालों तो भी 22-23 तो 23-24-21-22 भी साढ़ा 50-60% से, उस बाद 63% से, तो हूँ साढ़ा इस बार 82% ड्रॉप चल रहा है। तो हूँ बेनती हैगी है किसानों कि उन्होंने को मशीनरी जी है इंडिविजुअल फार्मर्स भी बहुत सबसिडी दे के 50% सबसिडी दे के मशीन दी है। सिमिलरली जिहड़ियां साडियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैगियां ने उन्होंने 80% सबसिडी के नाल मशीनरी मुहैया कराई गई है, वह मशीनरी का वध-वध यूज़ करन, वो मशीनरी के नाल एक तो आप पोल्यूशन तो बचते हैं, एक जिहड़ा एक्शन हो रहा उपरों उहदे तो आप बचते हैं, दूसरा जिहड़ी सॉइल हैल्थ हैगी है वह भी अपनी इहदे नाल बैटर हुंदी है जेकर आप पराली नूं विच मिक्स करते हैं। सो वो मशीनरी यूज़ करन, साडी यही बेनती है, तो ये सारयां दा फायदा है।